दिल्ली से है, जहां जिले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की अनोखी पहल देखी जा रही है। युवाओं को थल सेना में भर्ती होने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कलेक्टर भी युवाओं को तरीके सिखा रहे हैं। तो वहीं ट्रेनिंग में पहुंचे युवाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तो पहले 800 मीटर रनिंग करते हैं नॉर्मल, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कराया जाता है बॉडी वेट का, तो नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1600 मीटर हम लोग रनिंग कराया जाता है अच्छे से। वो पांच पांच ग्रुप में होता है, 10 10 11 रुप लोगों का ग्रुप होता है। उसके बाद हम लोग बॉडी बैलेंस करते हैं, जो वहाँ मिलिट्री में कराया जाता है उसको हम लोग कहते हैं। फिर लॉन्ग जंप होता है। ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत अच्छा सहायक है। जिलाधीश महोदय का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, कहा कि उन्होंने हमारे सभी जितने भी नए युवा हैं उन्हें बहुत ही मदद किया है। कहा कि सभी को गाइडलाइंस के बिना कोई भी चीज पाना बहुत ही मुश्किल है, अगर अपन को ये सब मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि है, जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से। हम पहले बच्चों को बहुत हल्का, जैसे चलते हैं तो तेज गति से चलो, हम उसको 800 मीटर ऐसी दौड़ाते हैं सर, बिल्कुल नॉर्मली। 800 मीटर के बाद हम उसको एक जगह पे बढ़िया गोला करके बैठा लेते हैं, और हम स्वतः मांसपेशी कैसे फ्री करना है, कैसे गर्दन सिर से लेकर के फिर उनको पैर तक के एक एक पॉइंट उसको हम स्वतः करते हैं, और हमारे बच्चे भी करते हैं। जिला प्रशासन ने विशेष पहल किया है, जिसके तहत हम लोग एक पूर्ण 1 मंथ का प्रशिक्षण बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें बच्चे रोज सवेरे 2 घंटे फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अलावा उसके पश्चात 2 घंटे का लिखित सराव भी होता है। चलिए, आज जो कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे हैं, वो भी आज यहाँ पास मौजूद है, और आज बच्चों को महत्वपूर्ण, अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके के पहल है, या आखिर प्लानिंग उन्होंने कैसे की, सर बताएंगे सर विशेष पर। बेसिकली हम सब लोग भारतीय होने के नाते सब लोग देश सेवा करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, तो हम लोगों को भी लगा कि यहाँ पे भी आने वाले समय में सेना भर्ती होने वाली है, उसमें से ज्यादा बच्चे यहाँ से जाए। और यहाँ से हमने जब सर्वे किया था तो काफी बच्चे इंटरेस्टेड थे, परंतु एक चीज सामने आई थी कि एक प्रॉपर गाइडेंस भर्ती के संबंध में नहीं मिलता है, तो इसीलिए इस पूरे 1 मंथ के प्रशिक्षण को आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने हमारे जो जिले में उपलब्ध ट्रेनर है उनकी मदद ले रहे हैं, इसके अलावा जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है उनकी मदद ले रहे हैं, और इसके अलावा जो जिले के जो पूर्व में सेना में भर्ती हुए जो सैनिक है वो भी आके अभी यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल है, और जो रिस्पांस भी जिस तरीके से मिल रहा है उसमें से लग रहा है कि इस साल काफी संख्या में बच्चे इस आर्मी रैली में सिलेक्टेड हो। चल स्थल पर आज हमारे जिले के जो एसपी है चंद्र चंदा जी, वो भी मौजूद है। सर, आपने भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए बच्चों को, बताएंगे सर किस तरीके। ये भर्ती रैली में जो चीजों से गुजारा जाएगा उस प्रक्रियाओं से पहले इनको एक्सरसाइज कराया जा रहा है, ताकि वहां किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, इन्हें कोई दिक्कत ना हो। निर्धारित मापदंड को पहले से हम यहाँ कलेक्टर साहब के माध्यम से पूरा करा दे रहे हैं, ताकि वहाँ इनको सरलता मिले। खासकर सर, आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, और ये जो सैनिक के काम है कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ काम होता है, इसको लेकर आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे कुछ। नहीं, बस एक्सरसाइज एक्सरसाइज में रहें, और निर्धारित मापदंडों को पहले से तय कर ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इनको। हमारा भी उद्देश्य यही है कि सफलता मिले, जिले का नाम रोशन हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आयोजन है इसका रिस्पॉन्स भी बेहतर तरीके से मिल रहा है, और इसका लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेर। खरसिया में